नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशन 2019 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर जनरल स्टडीज 3 के क्वेश्चन नंबर 12 को एनालाइज करने जा रहे हैं। और दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भी है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो। सिंपल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज़ अ चैलेंज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड क्लेरिफाइड। यहाँ पर दोस्तों, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड का मतलब सिंपल हो गया कि 1991 के बाद, क्योंकि 1991 में ही LPG को लेकर आया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों, LPG लाने के बाद ऐसा क्या हो गया है कि गवर्नमेंट को अब पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है, इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन एक तरीके से ट्रिकी है। तो मैं बताऊँगा इसको कैसे सॉल्व करना है अपने इस लेक्चर में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, और आप दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन मौजूद है, गवर्नमेंट बजटिंग। और दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट बजटिंग के ही टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जो कीवर्ड था वो ये था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसका सिंपल मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके रखना, अंडर कंट्रोल करके रखना। और फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि गवर्नमेंट जितना कमाती है उससे ज़्यादा वो खर्च करती है, तो उसका डेफिसिट जो होता है वो बढ़ने लगता है, उसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। यानी 100 रुपये कमा रही और 110 रुपये खर्च कर दिया, तो यहाँ पर 10% फिस्कल डेफिसिट हो गया, जो कि काफ़ी बड़ा एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट हो गया, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। इसको दोस्तों रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बार कोशिश की है। हमारा 1991 में ये 8.4% चला गया था, जो कि एक तरीके से अनमैनेजेबल था, एक तरीके से इसको मैनेज नहीं किया जा सकता था। इसको दोस्तों 1996 तक 4.5% पे लाया गया, IMF के रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए। लेकिन दोस्तों, बाद में जैसे ही IMF का प्रेशर कम होता है, उसके बाद फिर से ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगता है। और दोस्तों, ये हमारी आदत भी है फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की, इसके पीछे कुछ कमियां हैं हमारी, जिसको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों FRBM एक्ट भी लाया गया है, लेकिन अपने इस वीडियो में हम FRBM के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इस बारे में पूछा ही नहीं गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो प्रूडेंट होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब दोस्तों प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी फिजूल के खर्चे कम हों और सारा पैसा एक तरीके से इफ़ेक्टिव जगह लगे। लेकिन हमारे तो भाई फिजूल के ही खर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रूडेंट मैनेजमेंट को अचीव करने का क्या तरीका है? तो सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाए, यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दी जाए और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ से किसी भी तरीके से हटाई जाए। उसके बाद से दोस्तों, जो हमारा एक फिस्कल पाथ हम बना दे, उस पर हमें स्टिक रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। और दोस्तों, अगर हमें प्रूडेंट मैनेजमेंट करके एक्चुअली काम करना है, तो इसका सिंपल मतलब ये भी होता है कि जो हमारा टैक्स से पैसा आएगा या हमारे पास जो पैसा होगा खर्च करने के लिए, यानी गवर्नमेंट के पास, वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में या अदर प्रोडक्टिव एसेट बनाने में खर्च करे। तो ये तो होता है प्रूडेंट मैनेजमेंट। लेकिन हम दोस्तों हमेशा प्रूडेंट नहीं रहते, हम इम्प्रूडेंट हो जाते हैं, और इसी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन UPSC ने पूछ लिया है। अब दोस्तों, आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट समझ ही लिया, और उसमें हमें प्रूडेंट होना कितना ज़रूरी है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, ये भी आपको पता ही चल गया। लेकिन दोस्तों, 1991 के रिफॉर्म के बाद हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं, पब्लिक हमारा मैनेजमेंट, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है? तो देखिए दोस्तों, 1991 के रिफॉर्म के बाद हम काफ़ी लिबरलाइज करना पड़ा है हमें अपनी इकोनॉमी को, और काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको हटाना पड़ा है। इस वजह से दोस्तों, जो हमारी इकोनॉमी है वो दुनिया की इकोनॉमी के साथ, यानी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है। और दोस्तों, इसी वजह से इंटीग्रेटेड होने की वजह से जो भी दुनिया में कुछ होता है उसका इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। और यहाँ पर दोस्तों, जब ये इम्पैक्ट पड़ता है तो उस हिसाब से जब अच्छा इकोनॉमी करेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया भर में अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए
तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता है और भारत की इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आता है। तब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़रूरी होता है कि वो एक तरीके से ज़्यादा खर्च करे, यानी अपने फिजिकल डेफिसिट को बढ़ने दे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिजिकल डेफिसिट को अगर बढ़ने दिया जाता है तो फिर हमारी रेटिंग गिराई जा सकती है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो सकता है, जिससे हमारी सिचुएशन सुधरने की बजाय और डैमेज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के हाथ बांध रखे हैं और उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेज करने में अब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है 1991 के बाद। इसमें से दोस्तों ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद से दोस्तों पॉपुलिज्म फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्या होते हैं, कई सारे नेता जो हैं एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का वादा कर देते हैं, फ्री चीज़ें का ऑफर देकर, फ्रीविज देकर कि हम आपको ये फ्री प्रोवाइड करा देंगे, वो फ्री प्रोवाइड करा देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, उसका बर्डन जो होता है बढ़ जाता है और बाद में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेज करने में जो डिफ़िकल्टी आती है सो अलग। और दोस्तों इसके अलावा आप देखते हैं कि क्रूड ऑयल एकदम से अगर हाई हो जाएं उनके प्राइसेस, या किसी एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से उसकी सप्लाई थोड़े समय के लिए रुक जाए या बंद हो जाए कहीं से, तो इसकी वजह से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है जब एकदम से हमें क्रूड ऑयल ही महंगा पड़ने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने अनचेक्ड सब्सिडी दे रखी है, हम वहाँ से कहाँ हमें सब्सिडी रैशनलाइजेशन करना चाहिए, वो अब तक हम कर नहीं पाए हैं। एग्रीकल्चर एक सेंसिटिव इशू है, एक बार आप कुछ प्रॉमिस कर दो तो आपको वो देना पड़ेगा, भले उसका थोड़ा बहुत ही हिस्सा देना पड़े, लेकिन अगर वहाँ से हटाने की बात आएगी तो आप उसको हटा नहीं सकते बाद में। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड करता है, अगर दोस्तों मानसून अच्छे से ना हुई तो फार्मर्स या जो दूसरे एक तरीके से उनसे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनकम पर फ़र्क पड़ेगा। उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को फिर एक तरीके से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, जो कि वो कर नहीं सकती और फिर हमारा वही मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में लो इंश्योरेंस कवरेज है और कई सारे एरियाज हैं जो डिजास्टर प्रोन है, जहां पर डिजास्टर भी आ सकता है। अब दोस्तों डिजास्टर आता है तो फिर इससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो मैनेज नहीं हो पाता। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, यानी गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स कलेक्शन, उसमें भी दोस्तों अनसर्टेनिटी रहती है। ग्लोबल जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है यूनिफॉर्म तो रहता नहीं है, या ऐसा कंसिस्टेंट तो है नहीं कि बढ़ता जा रहा है हर साल तो, या हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है, तो टैक्स कलेक्शन भी बराबर नहीं होगा। तो हम ये अपना खर्चा और जो एक तरीके से हमारी कमाई है उसके बीच के गैप को हम कम कैसे करें, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कैसे कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। फिलहाल दोस्तों हमें आपसे उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप इस समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तो फिलहाल अब हम अपने इस लेक्चर का यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप हमने क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को ठीक से एनालाइज कर लिया है। अगर दोस्तों आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है।